तो अभी हमें बांद्राघाटा नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे अंदर काफी सारे जानवर हैं, देखते हैं हम क्या क्या हमें देखने को मिलता है। लोगों के एक्साइटमेंट देख के लग रहा है वाकई अंदर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अभी अभी हमने एक लायन भी स्पॉट किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पन और अभी मैं इस वक्त हूं बेंगलोर में, कर्नाटक के इस बड़े फेमस शहर में इस वक्त हूं और हम जा रहे हैं अभी बांद्राघाटा नेशनल पार्क। बेंगलोर से आप एक अच्छा गेटअवे कह सकते हैं इसको, तो विद इन 45 मिनट 1 आवर डिस्टेंस। तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। बाय द वे, अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं, जिस हाईवे पे चल रहे हैं, उसका नाम है नाइस हाईवे एंड इट्स रियली नाइस हाईवे। बांद्राघाटा नेशनल पार्क के एंट्रेंस से हम लोग आ गए हैं अब अंदर। 50 रुपये की पार्किंग फी है और अंदर पार्किंग बनी हुई है। यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जू की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हमें बांद्राघाटा नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे और यहाँ से टिकट लेना है सफारी के लिए। सफारी के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप एसी बस ले सकते हैं, जीप ले सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो बेसिकली सीटर नॉन एसी 3500, सीटर एसी जीप 4000, सीटर एसी 4500 एंड सीटर नॉन एसी जीप 4500। तो ये मोटा मोटा यहाँ पे इस नेशनल पार्क में जाने के लिए सफारी के प्राइसेस हैं। तो अंदर काफ़ी सारे जानवर हैं, देखते हैं हम क्या क्या हमें देखने को मिलता है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बेंगलोर की बहुत सारी जनता, कर्नाटका की बहुत सारी जनता यहाँ पे आई हुई है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट लोगों के एक्साइटमेंट देख के लग रहा है वाकई अंदर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। This is the place for AC bus. 700 each charge is AC buses का। और यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आई थिंक एडवाइजेबल ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएं तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा कम रश मिले। अभी रश बहुत ज़्यादा है, बट दैट्स ओके। काफ़ी देर के वेट के बाद अब हम नेशनल पार्क की तरफ बस में निकल चुके हैं। एसी बस है और यहाँ से अब हम देखने वाले हैं बहुत सारे जानवर।
politics. That's really mature. तो अभी अभी हमने एक लाइन भी स्पॉट किया और बहुत अच्छे से उसने हमारे लिए पोज दिया. तो यहाँ पे आना एक तरह से वर्थ इट हो गया. हमें सारे के सारे जानवर जो हैं वो देखने को मिल गए और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट था. आई थिंक अगर आप बेंगलोर में हैं तो आपको इस नेशनल पार्क में ज़रूर आना चाहिए अगर आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है. एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा लेंसेज आप जूम लेंसेज लेके आइए. गोप्रो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके लिए. यू कैन गेट सम जूम लेंसेज एंड गेट सम वेरी गुड गॉर्जियस पिक्चर्स ऑफ लायन डियर बियर एंड ऑल दोज एनिमल्स. जाती हैं इस राइड पे. करीब एक घंटा लगता है इस पूरे ट्रिप में और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं. और हम आई थिंक लकी थे दिन के वक्त भी हमें काफ़ी सारे जानवर देखने को मिले यहाँ पर. अगर आप बेंगलोर में हैं और कॉरपोरेट जॉब से थोड़ा थके हुए हैं तो किसी वीकेंड आप यहाँ आ सकते हैं. तो ये पूरा एरिया जहाँ पे खाने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. खाने के लिए यहाँ पे भुट्टा है, यहाँ पे फ्रूट चाट है और भी बहुत सारे ऑप्शन, बिरयानी वरियानी सब कुछ है. तो आप प्रॉपर लंच कर सकते हैं. काफ़ी पॉपुलर अट्रैक्शन लग रहा है बेंगलोर के आसपास का क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत सारे लोग आए हुए हैं. तो ये ज़ू की एंट्री है और यहाँ से इस तरह की बैटरी व्हीकल्स अवेलेबल हैं जो आपको ज़ू में ले जाती हैं. काफ़ी पॉपुलैरिटी है इस जगह पे इसकी और यहाँ से 100 rupees पर पर्सन में इस तरह की गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी जिनसे आप जा सकते हैं देखने के लिए ज़ू को. केजेस बने हुए हैं और उन केजेस में कहीं लायन है, कहीं बियर है, कहीं फॉक्स है, बहुत सारे ऑस्ट्रिच हैं, ईमू हैं और बहुत सारे जीव जंतु जो हैं आप इस ज़ू में देख सकते हैं. और अभी पीछे एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन है. यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप बेंगलोर के इस नेशनल पार्क में आ रहे हैं. और यहाँ आपके पास बोटिंग करने का भी ऑप्शन है तो आप चाहें तो 5-10 minutes की बोटिंग भी इस नेशनल पार्क के अंदर इस लेक में कर सकते हैं. तो ओवरऑल बेंगलोर से वीकेंड के लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन. और अगर आप बेंगलोर में हैं या बेंगलोर विजिट कर रहे हैं तो आपको इस पार्क में ज़रूर आना चाहिए. तो इस तरह की वाटर बॉडीज़ भी यहाँ पे बनाई गई हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट बनाने की एक कोशिश ये है.
तो ये है लास्ट पॉइंट इस ज़ू की पूरी जर्नी का। यहाँ पे हर तरह के जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो आप देख सकते हैं। और लास्ट में क्रोकोडाइल यहाँ पे है, उससे पहले रसल वाइपर, और बहुत तरह के जो जीव जंतु हैं वो आप इस ज़ू में देख सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, करीब आपको 2 किलोमीटर के आसपास चलना होगा, और उस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप काफ़ी सारे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। कर्नाटक के बेंगलोर का जो एक नेशनल पार्क है, 1970 में बना और 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तब से पर्यटक बहुत भारी संख्या में इस नेशनल पार्क में आते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है, और यहाँ आप जब भी आएँ तो ये ध्यान रख के आएँ कि यहाँ भीड़ अच्छी खासी आपको मिलेगी। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आएँ तो अच्छा है, शायद भीड़ उस समय थोड़ा कम मिलेगी। को एक्सेप्ट करने के बाद एक छोटी सी मार्केट जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, पहनने ओढ़ने के छोटे छोटे सामान से लेके खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉर्न्स हैं, जूस हैं, और कुछ चाट भी हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। 2 घंटे लगभग चल के थक के आने के बाद, बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह को देखने के बाद, आप यहाँ आके अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। आप देख रहे थे मेरे यानी उमेश पंत के साथ कर्नाटक के बेंगलोर के पास बन्नाघट्टा नेशनल पार्क की ये जर्नी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें यात्रा का। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करें तो और मज़ा आएगा।